दिल्ली के कारोबारी से गाजियाबाद में 28 लाख रुपए लूट लिए गए। मामला प्रॉपर्टी की सौदाबाजी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश नाम के कारोबारी दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं। वहां पर एक प्रॉपर्टी का 70 लाख रुपए में सौदा हुआ था। आरोप है कि ब्रोकर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रहता था। ओम प्रकाश नाम के इस कारोबारी को ब्रोकर ने साहिबाबाद में बुलाया और प्लॉट की पेशगी देने के लिए 28 लाख रुपए भी मंगवाए गए। मेरा ओम प्रकाश का सर, क्या प्लॉट? इसलिए प्रॉपर्टी की डील हुई थी, एक ऑफिस के लिए स्पेस देखा था। कहाँ पर? नजफगढ़ में। अच्छा। हाँ, ये किसी नॉन डू के थ्रू थे कि हमारे 2 से 3 महीने बाद चल रही थी पहले। हाँ, तो उस टाइम पे रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा मांगे थे तो हम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। बाद में हमारे 70 लाख रुपये में फाइनल हुई। 100 गज का प्लॉट, हमें 200 गज का था, हमने 100 गज लेना था। कहाँ पर था वो प्लॉट? और नजफगढ़ के अंदर हमारे वहीं पास में। यहाँ पर क्या हुआ साहिबाबाद? यहाँ साहिबाबाद में तो क्या है कि वो मीडिएटर यहाँ बैठते थे। अच्छा। हाँ, क्या नाम है उनका? राम। अच्छा, आपको बुलाया फिर? हाँ नहीं, बुलाया नहीं, वो तो हमारी बात चल रही थी कई दिन से, फाइनल हो गई थी कि हम 70 लाख में दे देंगे, कोई बात नहीं। तो पेमेंट की बात हो गई थी, कुछ कैश देना था, कुछ चेक देना था। ठीक है। हाँ, तो पेमेंट देके आए थे? हाँ, हम 28 लाख रुपये उनको पेमेंट देना है, 30 की डिमांड करी थी, 30 कम से कम, और सिक्योरिटी चेक दोगे तो हम पेपर आपको रिलीज कर देंगे, क्योंकि हमने लोन के लिए अप्लाई करना था। ठीक ठीक। तो उसके बाद बात हो गई थी, तो मेरे साथ में भी 2 लोग आए थे, अपने सेफ्टी के लिए लेके आए थे। हम उसके ऑफिस में गए, हमने पैसे चेक करवा दिए सारे। चेक करवाने के बाद में वो कह रहे कि भाई, पहले तो हमने यही उससे कहा था कि भाई यहाँ बुला लो, उन्होंने जो बात करी थी ओनर को, यहाँ बुला लो, भी यहीं कर देंगे। तो वो कह रहे थे नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं, उनके घर वाले भी हैं, तो कैसे लेके जाने में उनको दिक्कत है, तो हम चलते हैं उनके घर पर, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर ही है। तो मैंने फिर अपने साथी से, मैंने ठीक है जी हम भी चलते हैं। वो कह रहे थे ज़्यादा मत लेकर, जो परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा जैसे क्या बात है जी, परेशानी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे जो दोस्त साथ में आए थे उनको वहीं पे अपने ऑफिस में बिठाने के लिए बोला, तो वहाँ बैठ गए थे। राम ने फिर अपनी गाड़ी मंगवाई, तो मैं राम के साथ में उसका ड्राइवर, फिर हम उनके पैसे देने और प्रॉपर्टी के पेपर लेने चले गए। तो रास्ते में पता चला कि 1.5 किलोमीटर में जैसे ही वो गली में मुड़े, उन्होंने थोड़ी गाड़ी स्लो करी और आगे से एक थोड़ी देर में ही एक गाड़ी ने ओवरटेक किया। इसमें से 4-5 लोग उतरे जिनके पास 2 के पास हथियार थे, एक तरफ मेरी भी तरफ आए, ड्राइवर को भी उतार दिया उन्होंने गाड़ी से। तीसरा बंदे ने पैसे लेके वो भाग गया दूसरी गाड़ी में, और राम भी उसके साथ में चला गया जी। यानी उन्होंने लूट कराई? हाँ जी, उन्होंने लूट कराई। तो थोड़ी देर वो फिर, हाँ पूरे 28 लाख। फिर एक बंदा उनका रुका हुआ था गन के साथ में, वो ड्राइवर को भी और गाड़ी को भी साथ लेके गया, जो दूसरी गाड़ी में हम गए थे बैठ के। ठीक ठीक। हाँ, तो मैं वहाँ हेल्पलेस था, मैंने हाथ में थी जोड़ के वहाँ से भाग लिया। क्या है स्थिति इस समय, क्या है, पकड़े गए हैं लोग? अभी तो कुछ नहीं पता, वो कह रहे थे ट्रेस तो हो गए हैं। हाँ, अभी ये कन्फर्म नहीं है, वो अभी बताएंगे, आज उन्होंने बुलाया यहाँ पे भाई क्या है क्या नहीं, तो वही अभी पूछने के लिए आएंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कॉपी मिल गई हमारे को। मामले की एफआईआर साहिबाबाद थाने में दर्ज करा ली गई है। ब्रोकर और उसके बाकी साथियों की तलाश पुलिस कर रही है।